नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा 2020 मैच खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 187 रनों का लक्ष्य दिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की सीरीज का तीसरा और अंतिम 2020 मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। इस मैच में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। अब मैदान पर भारतीय खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रही है। हाँ दोस्तों, आपको बताएंगे कि भारतीय टीम ने कितना स्कोर बना लिया है। उससे पहले दोस्तों आपसे छोटा सा निवेदन है, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास वाले घंटे के बटन को जरूर दबा ले ताकि आने वाले वीडियो की आपको सबसे पहले सूचना मिल सके। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे 2020 मैच में भारत को 187 रनों का लक्ष्य दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट के नुकसान पर 186 रन बनाए। वेड ने 53 गेंदों पर 80 और मैक्स वेन ने 36 गेंदों पर 54 रन की पारी खेली। प्रत्येक गेंदबाज में सुंदर ने 2 और नटराजन और ठाकुर को 1-1 सफलता मिली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की सीरीज का तीसरा और अंतिम 2020 मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। इस मैच में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है, दूसरे 2020 वाली टीम ही आज खेलेगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया टीम में कप्तान एरन फिंच की वापसी हो गई है।